अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी, आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में ही निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं, पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट। एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं, कई बार फेलियर होते हैं। कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है, बहुत बार फेलियर हुए हम लोग, लेकिन एटलीस्ट हमें इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 100 बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी जिंदगी में। 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला तो ये था बल्ब बनाने का, तो एटलीस्ट उसको ये, उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि 100 तरीकों से बल्ब नहीं बनता, ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको।